के साथ मैगी बॉल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने एक गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च ली है। इन सब्जियों को बारीक चॉप करना है। एक पैकेट मैगी का, मैगी के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। मैं इसमें ये मैगी डाल दूंगी। और ये मसाला भी डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पानी सूखने तक इसको पका लेंगे। इसका पानी सूख गया, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक चॉप किए हुए, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, सूजी डाल देंगे 3 टेबलस्पून, बेसन डाल देंगे, चावल का आटा डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, स्वादानुसार नमक, पानी डालेंगे, अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। पानी इसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। मिक्सचर तैयार है। गैस के ऊपर मैंने पैन रख दिया है, इसमें ऑयल भी डाला हुआ है। अब ये गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये मैगी के बॉल्स डाल देंगे। इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब ये फ्राई हो चुकी है, इनको प्लेट में निकाल लेंगे, टिश्यू के ऊपर निकालेंगे इनको। अब इसके अंदर और डाल देंगे। इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ये सारे मैगी बॉल्स बन चुके हैं, सर्विंग प्लेट में सर्व कर दूंगी। मैगी बॉल्स खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इसमें अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं और इसको सॉस, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ। बाय।